नेक्स्ट पार्ट हमारा फंक्शन ही है। अभी हमने सिर्फ फंक्शन का इंट्रोडक्शन देखा था कि फंक्शन डिफाइन कैसे करते हैं या फंक्शन को कॉल किस तरह से करते हैं, पहले करें या बाद में करें डिफाइन। अब नेक्स्ट पार्ट है फंक्शन के इंपॉर्टेंट पार्ट। अभी हमने कल पढ़ा था कि जैसे हमने फंक्शन बनाया था जिसमें दो आर्ग्यूमेंट्स थे और कुछ रिटर्न भी था। हमें ध्यान रखना है कि जब हम किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो उसके जितने आर्ग्यूमेंट्स हैं हम वो एज इट इज पास ऑन करें। अगर कोई वैल्यू वो रिटर्न करता है तो अपने पास किसी रिटर्न में क्या है, स्टोर भी करें। हमने दो टाइप के एग्जैक्टली फंक्शन पढ़े, फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट जैसा कि डिस्प्ले था हमारा जो सिंपल एक मैसेज प्रिंट कर रहा है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं था, पैरामीटर नहीं था, और फंक्शन विद पैरामीटर। ये डिफरेंस है पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स का। जब आप फंक्शन को डिफाइन करते हो तो वो कहलाते हैं आर्ग्यूमेंट्स, यानी int x एंड y, दीज आर व्हाट आर्ग्यूमेंट्स। लेकिन फंक्शन को जब आप कॉल कर रहे हो आपने a और b दिया, दीज आर व्हाट पैरामीटर्स। क्या आपने फंक्शन को दो पैरामीटर्स क्या है पास किए और फंक्शन दो आर्ग्यूमेंट्स क्या करता है, रिसीव करता है। रिटर्न वाले फंक्शन में जो लास्ट प्रोग्राम हमने किया था उसमें क्या इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है, अ फंक्शन कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू एट अ टाइम। एक फंक्शन टू द मैक्सिमम एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है। तो अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये फंक्शन एग्जीक्यूशन के बाद हमें दो वैल्यूज या मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कर दे, डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे और तरीके हैं उनके थ्रू कर सकते हैं। डायरेक्टली जो हमने रिटर्न स्टेटमेंट लिखी उसके थ्रू सिर्फ एक ही वैल्यू क्या होगी, रिटर्न। नो स्टेटमेंट्स आफ्टर रिटर्न आर एग्जीक्यूटेड। स्टेटमेंट मतलब अगर रिटर्न के बाद गलती से कोई आपने स्टेटमेंट लिख दी है तो वो कभी एग्जीक्यूट होगी नहीं। हाँ, आपको कंपाइलर वार्निंग जरूर देगा, दैट इज कॉल्ड अनरीचेबल कोड, कि आपने रिटर्न के बाद एक स्टेटमेंट लिखी है। अब रिटर्न का मतलब ही क्या है, वापस चला गया। अब जब वो वापस चला ही गया तो वो उस रिटर्न के बाद वाली स्टेटमेंट पर कब आएगा, नहीं आ पाएगा। तो दैट इज कॉल्ड अनरीचेबल कोड, कि आपके प्रोग्राम का वो कोड जहाँ वो कभी पहुंच नहीं पाएगा। अगर आप गलती से दो वैल्यूज रिटर्न करते हो तो इन समाओ इन केस लेट अस से वी हैव रिटन रिटर्न एक्स कॉमा वाई, एरर नहीं आएगी। बट होगा क्या, इट ओनली रिटर्न व्हाट एक्स है, ये नेक्स्ट स्टेटमेंट आपकी कॉमा वाई वाली इग्नोर हो जाएगी। सो फंक्शन एक टाइम पर एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा, रिटर्न के बाद कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर आप मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कर रहे हो तो एरर नहीं आएगी, बट ओनली फर्स्ट वैल्यू विल बी व्हाट रिटर्न। नाउ फंक्शन के नेक्स्ट टॉपिक है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग बेसिकली क्या होता है, अगर हम पहली लैंग्वेज की बात करते हैं सी लैंग्वेज की, जैसे इस एग्जांपल में मैंने लिया कि सपोज मुझे एक फंक्शन बनाना है सम का। अब एक बारी तो वो दो नंबर्स को ऐड करे और एक बारी वो तीन नंबर्स को ऐड करे, मतलब एक सम फंक्शन होना चाहिए जिसको मैं दो आर्ग्यूमेंट दूं वो उन दोनों को ऐड कर दे, एक सम फंक्शन होना चाहिए जिसे मैं तीन आर्ग्यूमेंट्स दूं और वो तीनों को ऐड कर दे। अगर सी लैंग्वेज होती तो मुझे क्या करना पड़ता, दो अलग अलग ही फंक्शन बनाने का, एक शायद सम नाम से और एक शायद क्या सम वन नाम से। बट सी प्लस प्लस है ओवरलोडिंग डिफाइन। ओवरलोडिंग का मतलब ही क्या है, वी कैन हैव फंक्शन विद द सेम नेम, हम एक ही नाम से दो फंक्शन बना सकते हैं, दो अलग अलग की जरूरत नहीं है। एक सम रखा एक सम वन रखा सी में, आप एक ही नाम से दो फंक्शन बना सकते हो। फर्क कहाँ होना चाहिए, इधर इन द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में, या तो डिफरेंस कहाँ होगा नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में, जैसे इसमें दो आर्ग्यूमेंट है तो यहाँ तीन आर्ग्यूमेंट वाला, और उनके टाइप में, मतलब हो सकता है दो इंटीजर टाइप आर्ग्यूमेंट वाला हो तो एक और मेरा दो फ्लोट टाइप आर्ग्यूमेंट वाला। तो दो फंक्शंस का नाम सेम हो सकता है, डिफरेंस या तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में होना चाहिए या उनके टाइप में होना चाहिए, रिटर्न टाइप मैटर नहीं करता। नाउ अगर सी लैंग्वेज की बात कर रहे थे तो हमने दो फंक्शन बनाए, सम विद टू इंटीजर टाइप आर्ग्यूमेंट एंड सम वन विद थ्री इंटीजर टाइप आर्ग्यूमेंट। अब इस केस में जब आप फंक्शन को कॉल करोगे तो आपको ध्यान रखना होगा कि सम को दो आर्ग्यूमेंट चाहिए और सम वन को तीन आर्ग्यूमेंट चाहिए। अगर मैं किसी फंक्शन को कॉल करते हुए लाइक सम फंक्शन को ही कॉल कर रहा हूँ और तीन आर्ग्यूमेंट भेज दूँ तो क्या आएगा, टू मैनी पैरामीटर्स, क्योंकि उसको दो आर्ग्यूमेंट चाहिए। और अगर मैं सम वन फंक्शन को जिसको तीन आर्ग्यूमेंट चाहिए थे दो आर्ग्यूमेंट पास कर दूँ तो मुझे एरर दे देगा, टू फ्यू पैरामीटर्स, कि कुछ पैरामीटर मिसिंग, तो हमें एग्जैक्टली पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं सी प्लस में एक फंक्शन बना रहा हूँ सम, दो इंटीजर टाइप आर्ग्यूमेंट का, रिटर्न एडिशन है,
एक और बना रहा हूँ सम, तीन इंटीजर टाइप आर्ग्यूमेंट का, वो भी रिटर्न एडिशन कर रहा है, और एक और फंक्शन सम दो आर्ग्यूमेंट का, बट दोनों आर्ग्यूमेंट का टाइप क्या है, इंटीजर की जगह पर फ्लोट है, तो दो इंटीजर वाला दो इंटीजर फ्लोट वाला होगा, या तीन आर्ग्यूमेंट होगा। सो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पैरामीटर्स, मतलब आप क्या कॉल कर रहे हो, जैसे आपने कॉल किया सम 3 4, तो मेरे को पता लग गया दो आर्ग्यूमेंट आपने दिए, दो आर्ग्यूमेंट में या तो फ्लोट वाला कॉल करूंगा या इंटीजर वाला कॉल करूंगा, क्योंकि इसमें कोई डेसिमल वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब मैं बाय डिफॉल्ट क्या करूंगा, इंटीजर वाला ही कॉल करूंगा। सो आप एक ही नाम से जितने मर्जी फंक्शन बना सकते हो, इंपॉर्टेंट डिफरेंस नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में होना चाहिए या उनके टाइप में, रिटर्न टाइप मैटर नहीं करता। जब आप फंक्शन को कॉल करोगे तो कंपाइलर कंपाइल टाइम पे ही डिसाइड कर लेगा कि उसे एग्जैक्टली कौन सा फंक्शन कॉल करना है बेस्ड ऑन पैरामीटर्स नंबर एंड पैरामीटर टाइप। 3 और 4 दो पैरामीटर दिए तो डिसाइड हो गया था पहले ही दो आर्ग्यूमेंट वाला फंक्शन कॉल करना। आपने डेसिमल वैल्यू नहीं दी, न्यूमेरिकल वैल्यूज दिए, इसका मतलब उसे पता लग गया कि मुझे दो इंटीजर वाला क्या कॉल करना, दिस इज कॉल्ड। नेक्स्ट, इसी को मॉडिफाई करता है फंक्शन ओवरलोडिंग के कंसेप्ट को, और थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं फंक्शन विद डिफॉल्ट पैरामीटर। मतलब हम एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे जिसके पैरामीटर्स आर्ग्यूमेंट्स को हम एक डिफॉल्ट वैल्यू क्या दे के रखें। मतलब लास्ट एग्जांपल की अगर बात कर रहे हैं, तो हमने दो फंक्शन बनाए, दो आर्ग्यूमेंट वाला और तीन आर्ग्यूमेंट वाला, ये क्या कर रहा है, एडिशन परफॉर्म कर रहा है। अगर दोनों के लॉजिक को देखा जाए तो लॉजिक सेम है, फर्क क्या है, वो दोनों आर्ग्यूमेंट्स को ऐड कर रहा है और ये तीनों आर्ग्यूमेंट्स को ऐड कर रहा है। तो हमने कहा क्यों ना हम एक फंक्शन बनाए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या है आर्ग्यूमेंट है, इस केस में तीन है, तो मैं एक ही फंक्शन बनाऊंगा जिसमें तीन नंबर ऑफ क्या है आर्ग्यूमेंट्स होंगे, दो नहीं तीन है। हम क्या करेंगे, इस तीन नंबर वाले आर्ग्यूमेंट में एक डिफॉल्ट वैल्यू क्या है असाइन कर दें। एग्जैक्टली क्या करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट जिसमें है हमारे पास तीन आर्ग्यूमेंट्स है, तो हम तीन आर्ग्यूमेंट वाला एक फंक्शन बनाए। हमें पता है कि इस फंक्शन को कॉल शायद दो आर्ग्यूमेंट से भी किया जाए, इसका मतलब थर्ड आर्ग्यूमेंट की वैल्यू क्या होगी, मिसिंग होगी, तो हम थर्ड पैरामीटर को एक डिफॉल्ट क्या है वैल्यू असाइन कर दें। मतलब हम पहले से उसको एक वैल्यू असाइन करके रख देंगे, जस्ट लाइक इन दिस केस इंटीजर सम विद इंटीजर एक्स इंटीजर वाई एंड इंटीजर जेड इक्वल्स टू व्हाट, तो हमने थर्ड पैरामीटर को पहले से ही एक डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करके रख दी। इन केस अगर तीन पैरामीटर्स आए, मतलब जैसे सपोज दो पैरामीटर आए सम 3 4, दो पैरामीटर आपने दिए, तो थर्ड अपने आप को 0 मानकर सेम फंक्शन ही क्या है एग्जीक्यूट कर देगा, क्योंकि एडिशन का लॉजिक है, तो अगर थर्ड 0 भी होता है फर्क नहीं होता, मल्टीप्लाई का लॉजिक होता तो मैं इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या देता 1 देता। डिफॉल्ट वैल्यू आप जो मर्जी दे सकते हो, उसका कंसिडर तभी किया जाएगा जब थर्ड पैरामीटर की वैल्यू नहीं आ रही। अगर आप तीनों पैरामीटर दे रहे हो 3 4 5, then that is what overwritten है, कि z में आपने default value दी थी 0, but that is overwritten by what z 5, so that means हमने दो function ना बनाकर एक ही बना, और वो बना इस वजह से क्योंकि हमारे दोनों functions का logic क्या था same था, there is a difference only in what number of argument, missing parameter था, तो हमने क्या दिया maximum number of arguments वाला एक function बनाया, उसमें जो minimum number of argument थे उनको रखा, बाकियों की default value दे दी। तीन नंबर वाला आर्ग्यूमेंट का एक हमने फंक्शन बनाया, दो नंबर वाले आर्ग्यूमेंट्स को हमने रखा, थर्ड की हमने क्या दे दी एक डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर, हमने फंक्शन क्या बनाया डिफॉल्ट पैरामीटर दे दिया, तो हमने मैक्सिमम वैल्यूज को लेकर फंक्शन बना दिया, तीन आर्ग्यूमेंट्स को लेकर फंक्शन बनाया। इसको कॉल दो आर्ग्यूमेंट से भी किया जा सकता था, इसीलिए हमने थर्ड पैरामीटर को क्या दे दिया डिफॉल्ट वैल्यू। तो इंस्टेड की पिछले लॉजिक की तरह मैं दो बारी फंक्शन बनाऊ, दो सम के लिए मैंने एक ही बनाया और उसी को यूज कर लिया एक तरह से, ठीक है ना। तो एक फंक्शन बनाना पड़ा, फंक्शन को क्या दे दिया डिफॉल्ट वैल्यू डिफाइन कर। ना कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं जब आपको ये इस तरह का फंक्शन बनाना है। पहला, डिफॉल्ट पैरामीटर हमेशा राइट साइड से बनेगा। मतलब अगर मैं ये सोचूं कि एक पैरामीटर मिसिंग है तो वो एक्स हो जाए या वाई हो जाए, पॉसिबल नहीं है। अगर लास्ट पैरामीटर मिसिंग है, मतलब अगर आप दो पैरामीटर दे रहे हो, तो इसका मतलब है थर्ड पैरामीटर मिसिंग, और थर्ड वो कौन होगा जेड ही होगा। सो वी कैन नॉट से कि जो एक मिसिंग पैरामीटर है वो वाई बन जाए और एक्स और जेड को मैं क्या करूं यूज कर लूं, पॉसिबल नहीं। राइट हैंड साइड से ही क्या बनेंगे डिफॉल्ट पैरामीटर बनेंगे। वो अलग बात है आप जितने मर्जी बना दो, हो सकता है आप जेड को भी बना रहे हो 0 और वाई को भी आपने क्या दे दिया 0 दे दिया। सो वी कैन डिफाइन INT x, INT y = 0, z = 0। इसका मतलब आपने दो डिफॉल्ट वैल्यू दे दिए,
तो आप इस फंक्शन को आप एक पैरामीटर से भी क्या कॉल कर पाओ, एक दोगे तो भी चलेगा, दो पैरामीटर दोगे तो भी चलेगा, तीन पैरामीटर दोगे तो भी चलेगा, बना जितने मर्जी सकते हो, बट बनेंगे हमेशा कहां पर, राइट साइड से। दूसरा है डिफॉल्ट पैरामीटर वाला फंक्शन जो ये बना रहे हो आप, ये हमेशा कहां बनेगा, यूज करने से पहले बनाओ, मतलब आपने जहां पर इस फंक्शन को कॉल किया है उससे पहले ही आपने इस फंक्शन को क्या डिफाइन कर, आप बाद में भी कर सकते हो लेकिन उसमें फर्क क्या आएगा, नॉर्मली हम बाद में फंक्शन डिफाइन करते हैं तो क्या करते हैं पहले उन्हें डिक्लेयर करते हैं, यहां हल्का सा डिफरेंस है कि आप इन फंक्शन को जब बाद में डिफाइन करोगे ना, जैसे मैं यहां पर सम फंक्शन बाद में डिफाइन कर रहा हूं तो बाद में कोई डिफॉल्ट पैरामीटर नहीं मेंशन होगा, लेकिन जब फंक्शन को डिक्लेयर करूंगा मैं तब डिफाइन करूंगा कि इसका थर्ड पैरामीटर क्या था, डिफॉल्ट वैल्यू के साथ। सो डिफॉल्ट पैरामीटर की डेफिनेशन हमेशा पहले ही देनी है, या तो सारा का सारा फंक्शन ही पहले बना दो, और एल्स अगर आप बाद में बना रहे हो तो बाद में फंक्शन नॉर्मल बनाओ, लेकिन जब आप उस फंक्शन को डिक्लेयर करोगे तब आप बताओगे कि आपका कौन सा पैरामीटर डिफॉल्ट जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है रिकर्जन, ये थर्ड ऑप्शन आ गया रिकर्जन। अब रिकर्जन क्या होता है, हमें नॉर्मली पता है एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकता है, हम करते भी, हमारा मेन एक फंक्शन है और वो क्या कर रहा है, किसी दूसरे फंक्शन को क्या है कॉल कर रहा है। सो मेन एक फंक्शन, वो एक और फंक्शन डिस्प्ले हमने बनाया, सम हमने बनाया, वो कॉल कर रहा है, तो एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल तो करता ही है, बट अगर एक फंक्शन अपनी स्टेटमेंट्स में अपने आप को कॉल कर ले, दैट इज कॉल्ड व्हाट, रिकर्जन, दैट इज वी कॉल्ड फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। अगर एक फंक्शन अपनी स्टेटमेंट में अपने आप को ही कॉल करता है तो वो रिकर्जन। बट अगर इस सिनारियो को देखो, अगर एक फंक्शन अपनी स्टेटमेंट में अपने आप को ही कॉल करेगा तो ये तो इनफाइनाइट लूप हो गया, क्योंकि फंक्शन दो स्टेटमेंट के बाद अपने आप को कॉल कर रहा है, यानी फिर से फंक्शन कॉलिंग होगी, उस कॉलिंग में फिर दो स्टेटमेंट चलेंगी, फिर से फंक्शन कॉल होगा, ये तो इनफाइनाइट हो गया। तभी हम हर रिकर्सिव फंक्शन के अंदर एक डिसीजन, एक इफ लगाते हैं, क्योंकि ये इफ ही डिसाइड करेगा कि एग्जैक्टली फंक्शन कितनी बारी कॉल, यानी मैं अपने आप को कॉल करूंगा बट कितनी बारी करूंगा, ये डिसीजन मैं किसी डिसीजन कंट्रोल के थ्रू लूंगा। सो हर रिकर्सिव फंक्शन के अंदर एक इफ होगा जो एग्जैक्टली डिफाइन करेगा कि एग्जैक्टली रिकर्शन कितनी बारी ऑकर होगा। सो रिकर्शन विल कंटिन्यू अंटिल सम कंडीशन मेट, तो हम कोई ना कोई कंडीशन देंगे ताकि वो कंडीशन फॉल्स हो और हमारा प्रोग्राम क्या है, रिकर्जन क्या है, बंद हो जाए। सो टू प्रिवेंट इनफाइनाइट रिकर्जन वी यूज इफ एल्स स्टेटमेंट, कोई भी और अप्रोच जिससे कि हमारी रिकर्सिव कॉलिंग एक फाइनाइट टाइम्स, इनफाइनाइट ना। सो एडवांटेजेस क्या है, रिकर्जन बेसिकली करेगा क्या कि जैसे हम लूप लगाते हैं, अब लूप का हमने पूरा प्रोग्राम लिखा और लूप में एक सिमिलर सेट ऑफ स्टेटमेंट क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, ये कोड हम किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, रिकर्जन में। तो रिकर्जन से क्या होगा, हमें लूप नहीं लगाना, रिकर्जन कॉलिंग जब अपने आप होगी तो वो अपने आप में क्या हो गया, एक लूप हो गया। सो रिकर्जन से क्या हुआ, हमारा कोड बहुत शॉर्ट हो गया और क्लीन भी हो गया, क्योंकि हमने लूप की जगह पर डायरेक्ट फंक्शन कॉलिंग दे। रिकर्जन इन रिक्वायर्ड बहुत बड़े प्रोग्राम्स में, जहां ट्रीज ग्राफ्स या कुछ भी ऐसा काम करते हैं, हमारा काम रिड्यूस करने के लिए क्या बनाते हैं, रिकर्जन बनाते हैं। मतलब रिकर्जन एक तरह से हम बात करें तो स्टैक है, एक के ऊपर एक चल के कॉलिंग हो रही है। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि हमें इसे एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस स्टैक का रिक्वायर्ड होगा, बिकॉज देखो ना मैंने कहा कि एक फंक्शन दूसरे को कॉल कर रहा, अब उस फंक्शन के बाद भी हो सकता है कुछ स्टेटमेंट हो, सपोज मैंने स्टेटमेंट वन चलाई, फिर फंक्शन कॉल किया अपने आप को ही, और फिर स्टेटमेंट टू है, तो जब फंक्शन ने अपने आप को कॉल किया तो अपनी बाद की स्टेटमेंट को कहीं रखेगा, ताकि जब रिज्यूम हो, ये फंक्शन पूरी कॉलिंग खत्म हो जाए, अपनी स्टेटमेंट को वो क्या है, रिज्यूम कर सके। सो कुछ एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस भी हमें रिक्वायर्ड होगा, बट कोड बहुत क्लीनर होता है और फास्ट होता है, इट यूज मोर प्रोसेसर टाइम, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, मेमोरी स्पेस कम हो जाए, सो इट कैन बी डिफिकल्ट। हाँ जरूर रहता है, रिकर्जन है, ऑटोमेटिक कॉलिंग हो रही है, स्टैक जो लूप मैंने लगाया था उसमें मुझे पता है कि मैंने कहां से कहां तक लूप चलाया और कौन सी स्टेटमेंट कब चल रही है, रिकर्जन क्योंकि डेटा स्टैक में डालता रहेगा, फिर एक एक करके वहां से ऑटोमेटिकली फेच करके एग्जीक्यूट करता रहेगा, तो इस समय क्या चीज चल रही है, कौन सा पार्ट किसका चल रहा है, ये डिबग करना हमारे लिए क्या होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा रिकर्जन का। अभी एक सिंपल सा प्रोग्राम है रिकर्जन का, दो प्रोग्राम्स है, लाइक पहले देते हैं, मैं रिकर्सिव फंक्शन के बिना पांच बारी हेलो प्रिंट करना चाहता हूं,
थ्रू अ फंक्शन। तो मैंने कहा कि मैं एक डिस्प्ले फंक्शन बनाऊंगा जो आपसे एक आर्ग्यूमेंट ले लेगा, 5 आपने दे दिया, 0 to 5 तक का लूप लगा दिया, 6 टाइम हो गए, तो 6 टाइम्स ये आपका प्रोग्राम चल जाएगा। मेक इट करेक्ट, तो हमने 1 कर देते हैं, सो 1 to 5 का हमने लूप लगा दिया, 5 टाइम्स क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो प्रिंट हो जाएगा। ये सिंपल था, बिना रिकर्जन के हमने एक आर्ग्यूमेंट रिसीव किया और लूप 1 से आर्ग्यूमेंट कर चला के हमने हेलो क्या प्रिंट करवाया विदाउट रिकर्जन। अब इसी प्रोग्राम को रिकर्जन में लिखते हैं, मतलब हम फंक्शन इटसेल्फ कॉल करेंगे। तो डिस्प्ले में तो आपने क्या भेजा है, 5 ही भेजा, 5 INT 5। अब 5 से लेकर 1 तक की मुझे क्या करनी है, काउंटिंग करनी है, क्योंकि मुझे लूप नहीं चलाना। 5 से 1 तक की क्या करनी है, काउंटिंग है, क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू है। तो बट ऑब्वियस आई विल मूव फ्रॉम 5 टू व्हाट, 1। सो मैंने यहां पर एक डिसीजन लिया, इफ द वैल्यू ऑफ x जो हमने रिसीव किया है इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 देन प्रिंट हेलो, यानी फर्स्ट टाइम हेलो प्रिंट आ गया। उसके बाद दोबारा डिस्प्ले मैंने कॉल किया, बट इस समय मैंने क्या भेजा, x माइनस 1, अभी 5 आया था, तो आई हैव सेंट 5 - 1, मतलब हेलो फर्स्ट टाइम प्रिंट हो गया, दोबारा डिस्प्ले कॉल हुआ लेकिन वैल्यू क्या गई, 4। तो 4 अगेन ग्रेटर देन 1, हेलो प्रिंट होगा, डिस्प्ले में क्या गया, 3 गया, 5 4 3 2 1। 1 के केस में हेलो प्रिंट होगा, 1 - 1 क्या गया, 0 गया, तो x की वैल्यू क्या आई, 0 आई। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं है, इफ नहीं चला, बाहर आ गया, बाहर कुछ नहीं है, यानी रिकर्सिव कॉल नहीं हुआ। तो डिस्प्ले फंक्शन ने डिस्प्ले फंक्शन को ही कॉल किया है, लेकिन किसके ऊपर, इस इफ कंडीशन के ऊपर बेस्ड है कि हमारे पास 5 था, तो जब तक 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है डिस्प्ले अपने आप को कॉल करेगा विद अ पैरामीटर वैल्यू डिक्रीमेंट, और जैसे डिक्रीमेंट होके एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 0, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इफ से बाहर आ जाएगा, मतलब आपकी रिकर्जन कॉल नहीं होगा। तो एग्जैक्टली रिकर्जन ने अपने आप को कॉल किया, बट हमारी वो कॉलिंग हमने किसके ऊपर डिपेंडेंट रखी, एक इफ के ऊपर डिपेंडेंट रखी। राइट, अब नेक्स्ट प्रोग्राम में भी सेम वही काम है, बट अब रिकर्जन में हमने रिटर्न भी डाला, मतलब ये फंक्शन कुछ रिटर्न भी करेगा। अब इस फंक्शन को देखे तो हमने कहा कि एक डिस्प्ले फंक्शन बनाया जिसमें एक इंटीजर टाइप का आर्ग्यूमेंट है, हम पास करेंगे 5 सपोज करो, जैसे मैंने यहाँ मेन में 5 पास किया, डिस्प्ले 5 भेजा, तो मुझे इसका आउटपुट जानना है कि रिजल्ट में क्या आएगा। अब इसको चलाते हैं जरा। आपने डिस्प्ले फंक्शन में 5 भेजा, मैं इसे लिखता हूँ कि हमने डिस्प्ले फंक्शन को इनिशियली क्या दिया, 5 दिया, 5 डिस्प्ले कॉल हुआ विद द आर्ग्यूमेंट कॉल्ड 5, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, 2, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो एग्जैक्टली रिटर्न में क्या गया, डिस्प्ले ऑफ 5 - 1 4 प्लस डिस्प्ले ऑफ 5 - 2 3, ये कॉल हुआ। अब डिस्प्ले ऑफ 4 कॉल करेगा, 4 अगेन ग्रेटर देन 2 है, तो मेरा रिजल्ट 4 का क्या आएगा, डिस्प्ले ऑफ 3 प्लस डिस्प्ले ऑफ 2, और जब 3 कॉल करेगा तो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ही है, सो आई विल से डिस्प्ले ऑफ 2 एंड डिस्प्ले ऑफ 1, ये मेरा आउटपुट है। 4 के केस में क्या है, 3 2, और 3 के केस में 2 1, अगेन 3 है, 3 के केस में फिर से क्या आना है, 2 एंड डिस्प्ले ऑफ 1। फाइन, मैं इसको थोड़ा सा रिड्यूस करता हूं, मैं ग्रेटर देन 2 कर देता हूं, इक्वल पे नहीं लेता। नाउ अब हमारे प्रोग्राम का आउटपुट फर्क पड़ जाएगा, जैसे यही तक था, डिस्प्ले ऑफ 1, डिस्प्ले ऑफ 2 के केस में 2 इज ग्रेटर देन 2 नहीं है, तो रिटर्न क्या हो गया, 2 हो गया। 1 के केस में भी इट इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ग्रेटर देन 2, तो अगेन क्या हो गया, 2 रिटर्न हो गया, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। फिर डिस्प्ले ऑफ 2 का फिर से रिटर्न क्या हुआ, 2 हुआ, मैं एक मिस कर गया ना, 3 का आएगा 2 और 1, और एक मेरे पास यहां पर और होगा डिस्प्ले ऑफ 2, जिसका आउटपुट भी क्या आना है, 2 ही आना। सो मेरे इन 3 डिस्प्ले ऑफ 2, डिस्प्ले ऑफ 2, डिस्प्ले ऑफ 1 का आउटपुट 2 टू 2 आया, 3 का आउटपुट मेरे पास 2 और 1 था, डिस्प्ले ऑफ 2 का आउटपुट फिर से 1 है, यहाँ फिर से 2 आएगा 1 का, और ऑलरेडी मेरे पास क्या था, 6 था, तो 10 हो गया। यानी फाइनल वैल्यू जो मेरे पास रिटर्न होगी दैट इज व्हाट, 10 है। क्लियर है, तो रिजल्ट की वैल्यू क्या आएगी, 10 आएगी। सो रिटर्न स्टेटमेंट में भी हम अपने रिकर्सिव फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, बट उसमें हमें देखना है कि फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है, क्योंकि कॉलिंग के बाद जो रिजल्ट बना वो हमारे पास रिटर्न। नाउ वी हैव फंक्शन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस।
देखो अभी तक हमने फंक्शंस बनाए भी और फंक्शंस को कॉल भी किए। बाय डिफॉल्ट जब एक फंक्शन कॉल होता है ना, दैट इज कॉल्ड कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू का मतलब है कि जब आप फंक्शन को कॉल करते हो किसी को भी, तो वो अपनी क्या भेजता है फंक्शन को, वैल्यूज भेजता है, खुद नहीं जाता, अपनी वैल्यूज फंक्शन को पास ऑन करता है। तो इस जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर एक स्वैप फंक्शन है, हम दो नंबर रिसीव कर रहे हैं और दोनों को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो स्वैप फंक्शन हमारा दो नंबर्स को इंटरचेंज करेगा। अब इंटरचेंज का लॉजिक भी हमने सिंपल लिख दिया, void swap दो आर्गुमेंट रिसीव करे x एंड what y, हमने इंटीजर टाइप का एक टेम्परेरी नाम से वेरिएबल लिया इक्वल्स टू what x, x की वैल्यू टेम्परेरी में डाल दी, x इक्वल्स टू y कर दिया और y इक्वल्स टू what temp कर, दो वेरिएबल्स हमने इंटरचेंज लॉजिक लिख दिया। सो x temp में चला गया, x में y स्टोर करवा दिया और बाद में y में क्या डलवा दिया, temp। हमने अपने मेन प्रोग्राम में दो नंबर्स बनाए, उनको इनपुट करवाया और स्वैप फंक्शन को कॉल किए, उसको अपने दो नंबर्स ए और बी पास ऑन कर दिए। हम मान रहे हैं कि दोनों बाद में जब हम प्रिंट करवाएं तो एग्जैक्टली वो इंटरचेंज हो जाना चाहिए। अब इस स्पेस में हमने जो प्रोग्राम बनाया, हमारा इनपुट क्या था, 5-6 था, बट आउटपुट क्या है, वो भी 5-6 था, इंटरचेंज नहीं हुए नंबर, क्यों नहीं हुए। जब हमने स्वैप फंक्शन में ए और बी भेजे तो एग्जैक्टली ए और बी की क्या गई, वैल्यूज गई। मतलब अगर ए में 5 था बी में 6 था तो ए की वैल्यू एक्स में चली। आप देखो एग्जैक्टली कोड यहां पर क्या बनता है, आईएनटी एक्स इक्वल्स टू व्हाट ए बन गया। अब इस स्टेटमेंट का मतलब होता है ए की वैल्यू एक्स में चली गई, मतलब एक्स में भी अभी क्या पड़ा है, 5 पड़ा। बट अगर मैं एक्स में जाके 10 कर दूं तो क्या ए भी चेंज हो जाएगा, नहीं होगा, दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, आपने सिर्फ ए की वैल्यू एक्स में क्या की थी, कॉपी की थी। बट अगर आप एक्स को चेंज करोगे उससे ए पे फर्क नहीं पड़ेगा, आपने वैल्यू कॉपी की थी। तो एज इट इज हमने ए और बी की वैल्यूज किसको दी, एक्स और वाई को दी। आपने इंटरचेंज किसे किया, एक्स और वाई को किया, इससे ए और बी पे फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ए और बी एज इट इज ही रहेंगे, क्योंकि फंक्शन हमेशा जब कॉल होता है तो क्या भेजता है, अपनी वैल्यूज भेजता है। क्लियर हुआ कि नहीं। हमें इस फंक्शन से दो वैल्यूज चाहिए क्योंकि हम इंटरचेंज कर रहे हैं ए और बी को, रिटर्न मैं ले नहीं पाऊंगा क्योंकि रिटर्न एक टाइम पर कितना होता है, ए ही होता है। अगर मैं सोचूं कि ए और बी को भेजता हूं एक्स और वाई इंटरचेंज करके, बाद में एक्स और वाई को क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि दो वैल्यूज मैं रिटर्न नहीं कर सकता, एक ही कर सकता। तो इसका सॉल्यूशन कॉल बाय रेफरेंस से आया। रेफरेंस में हमारे पास एक ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर, दिस एंड ऑपरेटर, जिसे हम रेफरेंस ऑपरेटर कहते हैं। देखो जो एंड ऑपरेटर है ना, दो जगह पर यूज आएगा, दो जगह में काम में आएगा, एक तो इक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड में लगना और एक इक्वालिटी के राइट हैंड साइड में लगना। मतलब अगर इक्वालिटी के राइट हैंड साइड में लगेगा तो हम इसे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर कहते हैं, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, जिसका हम यूज करते हैं फॉर फाइंडिंग द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। किसी वेरिएबल का एड्रेस पता लगाना है तो एंड लगाओ, जैसे एंड ए, अगर हम इसे किसी इंटीजर टाइप वेरिएबल में रखते हैं तो व्हाइल से कि ए का एड्रेस हमने इंटीजर टाइप वेरिएबल में क्या है, स्टोर करा है, मतलब ए मेमोरी में कौन सी लोकेशन में स्टोर है वो एक्स में पढ़। लेकिन जब मैं एम्परसैंड इक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड में यूज करता हूं तो एग्जैक्टली मैं इस तरह से करूंगा, आई एन टी एक्स सपोज करो वेरिएबल कॉल 10, आई विल से आई एन टी वाई इक्वल्स टू, सॉरी आई एन टी एंड वाई इक्वल्स टू व्हाट एक्स। अब इक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड में यूज है एंड ऑपरेटर। अब ये क्या काम कर रहा है, अब ये रेफरेंस ऑपरेटर का काम करता है। अब रेफरेंस ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, देखो मैं एंड ऑपरेटर ना लगाऊं तब तो हम यहां पर क्या कहेंगे, दो वेरिएबल्स है एक्स एंड वाई, एक्स की वैल्यू 10 और बाद में वही वैल्यू आपने वाई में क्या करी, कॉपी करी, तो मतलब वाई की वैल्यू भी क्या है, 10 है। तो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली एक्स एक वेरिएबल, इसी की बात करो, आई एन टी एक्स इक्वल टू 10 वाई इक्वल्स टू एक्स, तो x एक वेरिएबल विद द वैल्यू 10 एंड y अनदर वेरिएबल विद द वैल्यू व्हाट 10 है, दो अलग अलग वेरिएबल्स वैल्यू सेम। लेकिन जब मैं यहां पर ये लगा रहा हूं int x equals to 10 int and y equals to what x, तो इस केस में and y मतलब दिस y इज द रेफरेंस ऑफ व्हाट x है, मतलब यहां पर कोई नया वेरिएबल बन ही नहीं रहा, x वेरिएबल ऑलरेडी था
उसमें वैल्यू पड़ी थी 10, हमने उसी जगह का एक और क्या रख दिया, नाम रख दिया। तो x और y एग्जैक्टली बोथ आर पॉइंटिंग टुवर्ड द सेम मेमोरी लोकेशन है, बट ऑब्वियस क्योंकि मेमोरी लोकेशन सेम है तो फिर वैल्यूज भी क्या होंगी, सेम ही आएंगे। सो x और y दो नए वेरिएबल्स नहीं है, y यहां पर नया वेरिएबल नहीं बना, उसी वेरिएबल का एक और क्या बना, रेफरेंस बना। तो हमने भी अपने फंक्शन में क्या किया, इंटीजर एक्स वाई करने की बजाय इंटीजर एंड एक्स इंटीजर एंड वाई कर। जब हमने इंटीजर एक्स वाई किया था तो मैंने आपको बताया था स्टेटमेंट क्या बनी, int x equals to a, int y equals to what, b। लेकिन अब क्या बना, int and x equals to what, a, int and y equals to what, b। इसका मतलब x और y दो नए वेरिएबल्स नहीं है, a और b के ही क्या है, नाम है सिर्फ, मतलब उन्हीं लोकेशंस के नाम एक और रखे गए। तो अब अगर मैं यहां पर इंटरचेंज कर रहा हूं x और y को, सेम लॉजिक, x और y को इंटरचेंज कर रहे हैं, बट एग्जैक्टली x और y नहीं, कौन चेंज हो रहा है, साथ साथ a और b भी हो रहा है, क्योंकि हम तो उस एड्रेस का डेटा चेंज कर रहे हैं, हमने उसका नाम रखा था x, हमने x और y को इंटरचेंज कर दिया, बट x और y नाम किसके थे, a और b के थे, तो इसका मतलब एग्जैक्टली कौन चेंज हो गया, a और b भी चेंज हो गया। तो सेम प्रोग्राम, सिर्फ फंक्शन के आगे मैंने क्या लगाया, एंड लगाया, जिससे कि ये वेरिएबल ना बनकर क्या बनेगा, हमेशा कॉलिंग आ वैल्यू पैरामीटर्स का क्या बनेगा, रेफरेंस बनेगा। सो दैट कि अब दो वैल्यूज रिटर्न नहीं चाहिए, हो भी नहीं सकती, लेकिन अब मेरे दोनों वेरिएबल्स क्या हो रहे हैं, इंटरचेंज हो रहे हैं। मतलब ए और बी में अगर मैंने 5 और 6 डाला था तो आउटपुट में क्या आ गया, 6 एंड 5, दोनों इंटरचेंज हो गए, क्योंकि अब यहाँ पर फंक्शन के अंदर दो नए वेरिएबल्स नहीं बने, दो रेफरेंसेस बने किसके, ए और बी में, उनमें चेंज करोगे तो अपने आप चेंज किस में होगा, ए और बी में भी होगा। Thank you.